लास्ट क्लास फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग. ओके, इन दिस लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग. राइट नाउ वी हैव डिस्कस फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग मिक्स व्हिच इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स, अंडरस्टैंडिंग द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. सो फोर पीस ऑफ द मार्केटिंग मीन्स वन इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. ओके, इज नोन एज फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. ओके, और इसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स. सो इन फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज मार्केटिंग, वी हैव लर्न व्हाट इज मार्केटिंग. सो व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग नीड ए वांट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, माइंड, हार्ट एंड लाइव्स ऑफ द कस्टमर. सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्केटिंग, व्हाट आर द स्किल्स नीडेड, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल, कोलाबरेटिव, डिसीजन मेकर, क्रिएटिव, दीज आर द स्किल्स नीडेड. यू हैव टू इम्प्रूव योर मार्केटिंग. देन स्किल्स लर्न, अंडरस्टैंड द नीड्स, रिसर्च ट्रेंड्स, क्रिएट एन ऑफरिंग, हाउ टू कम्युनिकेट बेनिफिट्स, दीज आर द स्किल्स लर्न. सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस मार्केटिंग मिक्स, अंडरस्टैंडिंग द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. वन इज प्रोडक्ट एंड द प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. ओके, सो प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज. सो जब भी हम लोग मार्केटिंग बारे में सोचते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, चार चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा. एक है प्रोडक्ट, और एक प्राइस, और एक प्रमोशन, और एक प्लेस. अभी मार्केटिंग किसको करोगे आप, एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग करोगे, प्रोडक्ट और या सर्विस को मार्केटिंग करोगे, तो प्रोडक्ट हो गया. और क्या हुआ, प्राइस. अब वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, उसका एक प्राइस होना चाहिए. ये तो हो गया, दो हो गया. और एक प्लेस. अब जब भी आप एक प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो उसका प्लेस होता है. ठीक है, अब गर्मी, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे तो ठंडी प्रोडक्ट आप बेचोगे तो थोड़ी ना होगा. ठीक है, अभी जहाँ गर्मी है वहाँ पे आप जाके कोट बेचोगे तो सेल होने वाला नहीं है ना. तो प्लेस भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं. आपका प्रोडक्ट है, प्राइस है, मगर प्लेस भी इम्पोर्टेंट है. प्लेस तो हो गया, उसके साथ प्रमोशन भी इम्पोर्टेंट है. आपका प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है ना. तो प्लेस क्या है, प्लेस हमारा प्रोडक्ट कहाँ चलेगा. तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज क्या बोल रहा है, हार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज. ठीक है, जो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग में पहला क्या है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन हार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. जो हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोल रहे हैं ना, उसमें प्रोडक्ट हार्ट है. द प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस. मार्केटिंग हम प्रोडक्ट भी कर सकते और सर्विस भी कर सकते. ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, सर्विस भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते. तो प्रोडक्ट क्या होगा, फिजिकल यूनिट है. आप मोबाइल बेच रहे हो, एक फिजिकल ही है. ब्लूटूथ बेच रहे हो, फिजिकली है, दैट इज फिजिकल यूनिट. और उसका पैकेज, प्रोडक्ट का पैकेज भी इम्पोर्टेंस है कि नहीं. हम लोग जब भी खरीदते हैं ना, वो पैकेज देख के खरीदते हैं, पैकेज भी फोकस होता है. ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा पैकेज नहीं है तभी भी बेच. पैकेज, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, उसका बाहर जो पैकेज होता है, पैकेज, अभी इसका जो ये जो साउंड है ना, उसका पैकेज वो है, डब्बा जो है वो पैकेज है. अगर एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है मगर उसका पैकेज ठीक नहीं दिख रहा है, तो आप खरीदोगे क्या. जब भी आप दुकान जाते हो ना, वो पैकेज भी अच्छा दिखना चाहिए. ये सुन लो, दैट इज पैकेज. वारंटी, आपका प्रोडक्ट का क्या होता है, वारंटी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है. और क्या है, आफ्टर सेल सर्विस. मतलब अभी आपका जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है. सपोज कुछ, हाँ, जो खराब हो गया, अभी आपका फ़ोन खराब हो गया, तो वो आफ्टर सेल सर्विस कैसा है उसका. ये चार चीज़ इम्पोर्टेंस होता है प्रोडक्ट का. फिजिकल यूनिट मतलब जो प्रोडक्ट हो कैसे दिखता है, और उसका फैसिलिटीज़ क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, ये तो है फिजिकल यूनिट. देन क्या है, पैकेज. पैकेज मतलब प्रोडक्ट का पैकेज बहुत सुंदर होना चाहिए. ठीक है, देन वारंटी, देन आफ्टर सेल सर्विस. ये हो गया प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट आया क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मतलब
जब भी आप प्रोडक्ट बेचते हो आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मतलब क्या है, अभी देखिए एक फोन है 20,000 में, एक फोन है 50,000 में, और फिर 1 लाख का भी फोन है, मगर वो 1 लाख का जो फोन है वो किस कैटेगरी लोग परचेज करेंगे, फीचर्स क्या होना चाहिए, समझ समझ में। आप सपोज आप टारगेट कर रहे हो मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो आप तो 1 लाख का फोन बेचोगे तो आपका क्या होगा, नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है ना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स जो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आपका दमदार होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसा है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फोन, मगर आप किसको टारगेट कर रहे हो, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, किसको टारगेट कर रहे हो। आप अगर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो तो आपका फोन का जो कॉस्ट है 20,000 से 30,000 होना चाहिए, ठीक है। आप मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो, फोन का दाम 1 लाख रख किया हुआ तो वो थोड़ी ना चलेगा, समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट ए बायर मस्ट गिव अप इन द एक्सचेंज, ठीक है। वैल्यू इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर है आपका प्रोडक्ट का, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। देन क्विकेस्ट एलिमेंट टू चेंज कैन बी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव वेपन, ठीक है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पता हो गया। नेक्स्ट है प्लेस स्ट्रेटेजीज। प्लेस मतलब जो भी प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो वो किस एरिया में आप उसको टारगेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। वो हाँ, तो आप रूरल रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हो, गांव में टारगेट कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, टाउन के लिए कैसा होना चाहिए, मेट्रो सिटीज के लिए कैसा होना चाहिए, ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन एंड वेयर द कस्टमर वांट्स देम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है ना। मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन एंड वेयर द कस्टमर वांट्स देम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जब भी चाहिए, मतलब लोग क्या, व्हेन एंड वेयर, कभी भी और कहीं भी वो चाहते हो, तो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑनलाइन में, कभी भी और कहीं भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो आपका प्रोडक्ट दैट इज द प्लेस स्ट्रेटेजीज, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ऐसे आपका वेयरहाउस होना चाहिए वहां पे, जैसे सबको आप क्या ट्रांसपोर्टिंग करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। प्रमोशन स्ट्रेटेजीज मीन्स प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज हो गया। प्रमोशन मतलब आप जब भी मार्केटिंग करते हो तो प्रोडक्ट को प्रमोशन करना चाहिए, ठीक ही नहीं। तो कैसे आप प्रमोशन करोगे, देर आर डिफरेंट वे, एक एडवर्टाइजिंग करोगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे, पब्लिक रिलेशन बनाओगे, सेल्स प्रमोशन बनाओगे, पर्सनल सेलिंग बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग थ्रू भी आप प्रमोशन करवा सकते हो, ठीक है। और ये एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारे तरीका है, मगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो हम डिजिटली क्या करेंगे, उसको प्रमोशन करेंगे। अभी आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, एक इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है, मनी बैक प्लान है, यूनिट लिंक्ड प्लान है, चाइल्ड प्लान है, एजुकेशन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, ये डिफरेंट टाइप्स का प्लान है, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस है कि नहीं, है कि नहीं। चाइल्ड प्लान का एक प्रीमियम है, एजुकेशन प्लान का एक प्रीमियम है, ये प्राइस हो गया। और प्लेस क्या है, आप किसको बेचोगे, प्लेस रूरल एरिया में आप कौन सा प्लान चलेगा। अब रूरल एरिया में जाओगे, रूरल एरिया में उनको यूनिट लिंक्ड प्लान बेचोगे तो लोग को समझ में आएगा क्या, समझ में आ रहा है ना। दैट इज द प्लेस। देन प्रमोशन, आप अगर इंश्योरेंस प्लान बेच रहे हो तो प्रमोशन कैसे करोगे, आप एक पब्लिक रिलेशन बनाओगे, है कि नहीं। आप अगर सेल्स कर रहे हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, आप कैसे प्रमोशन करोगे, एक पब्लिक रिलेशन बनाओगे, ठीक है। अभी लोग पब्लिक रिलेशन बनाओ या पर्सनल सेलिंग करो, ठीक है, सेल्स प्रमोशन करो, ये सब तरीका है। इंटीग्रेट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग करो, डायरेक्ट मार्केटिंग करो, पब्लिक रिलेशन करो, सेल्स प्रमोशन करो, और पर्सनल सेलिंग करो या डिजिटल मार्केटिंग करो, ये देर आर प्रमोशन स्ट्रेटेजीज,
समझ में आ गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, तरीका, ठीक है, समझ में आ गया, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन स्ट्रेटेजी है। अभी हम लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो हम डिजिटली हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, समझ में आ गया। देयर आर फोर पीस ऑफ, अभी है नंबर थ्री बिल्डिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंड, अभी चार फोर पीस ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये समझ में आ गया हमको। अभी क्या बोल रहा है, बिल्डिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंड, मतलब कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कंज्यूमर अगर समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट क्या है, क्या बेच रहे हो, उसका फायदा क्या है, उसका फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उनको किस काम के लिए फायदा होगा। अब आप एक आप क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, उसको इंश्योरेंस बेच रहे हो एजुकेशन प्लान का, तो उसको समझ में आना चाहिए ये प्लान वो खरीदने से, एजुकेशन प्लान लेने से उसको क्या फायदा होगा, उसको एडवांटेजेस क्या मिलेगा, उसको फीचर्स क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तभी क्या करेगा वो, आपका प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट जितना भी दम है, आपका प्रोडक्ट में जो भी अच्छा फीचर्स है वो खरीदेगा नहीं जब तक उसको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी बिल्डिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंड क्या बोल रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अब कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंस है। सपोज कस्टमर को चाहिए चाइल्ड प्लान और आप उसको बोल रहे हो भाई एजुकेशन प्लान लो, एजुकेशन प्लान लो, एजुकेशन प्लान के बारे में समझा रहे हो, तभी भी वो क्या कस्टमर खरीदेगा क्या, क्योंकि उसका माइंड में क्या है, चाइल्ड प्लान। सपोज कस्टमर को ओप्पो का फोन चाहिए, आप वीवो का फ्यूचर बता रहे हो भाई बढ़िया है बढ़िया है, तो वो लेगा क्या। तो आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर क्या डिसीजन ले रहा है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स हाईली कॉम्प्रोमाइज। आप कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या लेने को सोच रहा है, उसके माइंड में क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो मार्केटिंग क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। अब कंज्यूमर तो हमेशा उसका प्रेफरेंस क्या होगा, चेंज होगा ही, ठीक है, दैट इज द बिल्डिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंड। अभी क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कंटिन्यूअली चेंजिंग, कंज्यूमर प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो हाँ, तो उसका प्रेफरेंस चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। स्टडी अभी क्या बोल रहा है, स्टडी हाउ कंज्यूमर मेक्स परचेज डिसीजन। अब हमेशा कंज्यूमर जो परचेज डिसीजन ले रहा है, क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्या सोच रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। हाउ दे यूज द परचेज, वो लोग मतलब कैसे परचेज कर रहे हैं। अभी देखो किसी का 30,000 इनकम है, किसी का 50,000 है, किसी का 1,00,000 है, तो वो कैसे परचेज कर रहे, हाउ दे परचेज, हाउ दे डिस्पोज, मतलब खरीद रहे। अभी आप फोन खरीद लिया, एक महीने दो महीने के बाद आपको पसंद नहीं आया उसका फीचर्स या कुछ आपको बायस हो गए, ये फिर आप क्या करोगे, उसको डिस्पोज करोगे ना, उसको बेच दोगे ना। नहीं, डिस्पोज मतलब आप एक प्रोडक्ट लेके आए उसको पसंद नहीं आया, आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, फिर आप और एक नया प्रोडक्ट करोगे, दैट इज द डिस्पोज। What factor influence purchase? Use and disposing. मतलब जो उसका ऐसे क्या फैक्टर से उसको परचेज करने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है, परचेज, यूज एंड डिस्पोज, समझ में आ रहा है, ये हो गया। देन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कल्चरल होता है, सोशल होता है, इंडिविजुअल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। क्या डिसीजन मतलब कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो ये बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या समझ में आ रहा है, द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सोचने का तरीका क्या है, डिसीजन लेने का, डिसीजन जो ले रहा है ना कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो क्या है, मतलब कल्चरल है, सोशल है, इंडिविजुअल है, साइकोलॉजिकल, मतलब कल्चरल, मतलब हाँ, तो कल्चरल मतलब जो अभी हाँ क्या चल रहा है, दैट इज द कल्चरल, क्या चल रहा है अभी, ठीक है। सपोज दशहरा आ रहा है तो आपको परचेज का जो आइडिया है, कंज्यूमर जो हाँ दिवाली के लिए, विंटर के लिए,
समर के लिए अलग अलग उसका होता है ना, सोशल सोशल मीन्स वो जो परचेज कर रहे हैं वो सोसाइटी में क्या इफेक्ट होगा, वो ऐसे सोच के भी परचेज करेगा। यस यस। देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोचते हैं वो लोग। और एक साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब वो क्या सोच रहा है, वो भाई बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं, आपने खुद क्या सोच रहा है वो इम्पोर्टेंस है। दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर एलिमेंट्स, ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर, ये क्या द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया। अभी क्या बोल रहा है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, वही चीज, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये डिसीजन में अफेक्ट करता है। ठीक है, अभी कंज्यूमर बिहेवियर एलिमेंट्स, एफेक्टिव मार्केटर्स केयरफुली स्टडी दे टारगेट मार्केटर्स ऑल द टाइम टू सी द चेंजेस इन देयर बाइंग डिसीजन। कंज्यूमर बिहेवियर एलिमेंट्स, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है एक मार्केटर को सोचना चाहिए। एफेक्टिव मार्केटर जो है, एफेक्टिव मार्केटर मतलब एक परफेक्ट मार्केटर, वो हमेशा किस चीज को ध्यान देगा, कंज्यूमर बिहेवियर एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कस्टमर का बिहेवियर एलिमेंट्स क्या है, एफेक्टिव क्या बोल रहा है, डेफिनेशन, एफेक्टिव मार्केटर्स केयरफुली स्टडी देयर टारगेट मार्केटर्स ऑल द टाइम टू सी द चेंजेस इन देयर बाइंग डिसीजन मेकिंग। अब एक फास्ट ट्रैक का वॉच लेके आ रहे हो आप, 60 साल का उम्र का लोगों को बेच रहे हो तो होगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो यूथ के लिए टारगेट हो रहा है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर एलिमेंट्स क्या है, अभी adjustments are made to the marketing mix to meet the changing consumer needs and help to move the consumer through buying process. ये क्या बोल रहे थे? Adjustments are made to the marketing mix to meet the changing consumer needs. Consumer का needs जो change होते रहता है उसके हिसाब से हम लोग marketing का भी change होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अभी Oppo क्या आ रहा है? Oppo का phone different phone लेके क्यों आ रहा है? क्यों लेके आ रहा है? यही definition है। एडजस्टमेंट आर मेड टू द मार्केटिंग मिक्स टू मीट द चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर का नीड जो चेंज होते रहता है, हम लोग भी प्रोडक्ट में चेंज लेके आना चाहिए। बस अभी एक फ़ोन लेके आया, 8 GB रैम, 64 GB रोम का फ़ोन है। अभी वो क्या करेगा, 8 GB रैम, 128 GB का रोम कर लेगा। दैट इज द प्रोडक्ट चेंज कर दिया। क्या बोल रहे हैं भाई, मेरा एक नया फोन आ गया, उसका 8 GB रैम है, 128 GB का रोम है, बोल लेगा। मैं उससे पहले फोन लाया था 8 GB रैम और 64 GB रोम। दैट इज द चेंज मार्केटिंग मिक्स। उसको चेंज एडजस्टमेंट होना पड़ेगा किसके साथ, कंज्यूमर बिहेवियर के साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब वही प्रोडक्ट बेचेगा तो चलेगा नहीं ना। अभी एक ओप्पो का मॉड्यूल आया, ओप्पो जेड। अब ओप्पो जेड एक साल तक वो सेल करते रहेगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं। अब उस वही प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत अपग्रेड करके नाम चेंज करने से लोग क्या करेंगे, दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। एडजस्टमेंट करना चाहिए कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की बिहेवियर के हिसाब से हम लोग क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड हेल्प टू मूव द कंज्यूमर थ्रू द बाइंग प्रोसेस। ठीक है, दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, इतना है, नेक्स्ट क्लास हम